नमस्कार, आज इस वक्त हूँ मैं नया नगर पुलिस स्टेशन, जहाँ पर एक वृद्ध महिला को पहला फुसला कर उनका लाखों का माल कुछ लोग उड़ा कर ले चले गए। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, आप अपना नाम बताएंगे? ये मेरा नाम सुशांत विश्राम पाटिल। पाटिल जी, ये जो घटना घटी है ये किसके साथ हुआ है और ये कब हुआ है? ये घटना मेरी मम्मी के साथ कल दोपहर को 1:15 के बीच में हुई। सेक्टर A1 में मंदिर के थोड़ा आगे साईं बाबा का मंदिर है, और मेरी मम्मी वहाँ से सेक्टर 6 से 1 नंबर में आई सब्ज़ी लेने के लिए। उसके बाद वो सब्ज़ी नहीं मिली इसलिए रिटर्न आ रही थी घर। उतने में एक आदमी मिला तो उनको पूछने लगा कि रामदेव बाबा का दुकान कहाँ पे है। बातों बातों में उसने उलझाया। उसी टाइम एक दूसरा आदमी आया, वो भी बातें सुनने लगा। बातें सुनने का वो भी पहले आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, आपके घर में कोई बीमार है? तो बोले, उसने भी बोला हाँ कि बीमार है, मेरी मम्मी है। और उसके बाद मेरी मम्मी को क्वेश्चन किया कि आपके घर में भी आप टेंशन में दिखती है, आपके घर में 3 लड़की है और एक लड़का है, उसका शादी नहीं हुआ है, तो आप थोड़ी टेंशन में दिख रही है। तो मेरी मम्मी ने बोला हाँ, मेरे घर में भी ऐसा है, टेंशन है मेरा। उसके बाद बोला कि मेरी मम्मी को बोला कि आपके पास कितने रुपये है? मेरी मम्मी ने कहा कि एज इट इज उसके पास पैसे नहीं थे कुछ, तो बोला नहीं है। तो दूसरे को पूछा आदमी को, उसने बोला कि मेरे पास 8,000 रुपये है। हाँ, तो बोला एक काम करो कि आप एक अगरबत्ती लेके आओ। हाँ, ऐसा कहा तो वो अगरबत्ती लेके आए। तब तो वो दोनों एक साथ में खड़े थे और बोला कि एक अगरबत्ती को छुओ दोनों एक साथ। हाँ, और बोला कि आप लोगों को मैं एक मंत्र देता हूँ, राम राम वो जपने का। बोला आप शंकर भगवान के भक्त है, आप मारुति के भक्त है, ऐसा बोला। और वो बोला कि ये गले में कुछ होना नहीं चाहिए, और वो निकाल के रखो आप और पॉकेट में, और ये थैली इनके हाथ में दे दो, और मंत्र बोलते बोलते थोड़ा दूर जाओ और वापस आना, ऐसे बोला। मेरी मम्मी थोड़ी दूर आगे गई और जैसे रिटर्न आई कि ये रिटर्न आने से पहले ये दोनों यहाँ से फरार हो चुके थे पूरा वो थैली लेके। आपने इस मामले में केस दर्ज करवाया आपने? कल मैंने 7 बजे नया नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया, सब रिपोर्ट भी FIR भी करवाया। तो अभी पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? पुलिस ने बोला कि पुलिस के साथ मैंने कुछ CCTV फुटेज भी चेक किए, तो उसमें उन दोनों का चेहरा आया है, उन्होंने फुटेज भी दिया मैंने। और दूसरे दिन मैंने अभी आज सुबह इंक्वायरी किया, वो बोले कि जो घटना हुई है उसमें टोटल 4 आदमी इन्वॉल्व थे, 2 आदमी बाइक पे थे, ये दोनों ले के सब उनके साथ बैठ के उनके मम्मी के सामने ही फरार हो गए, और मम्मी को उलझाए हुए रखा, उधर से निकले बाइक पे निकले, टोटल 4 लोग थे वो। जी, ये जो मामला है आपको ऐसा नहीं लगता ये कि प्री प्लानिंग है ऐसा कुछ? हाँ, प्री प्लानिंग लगता है, क्योंकि इतने प्लानिंग किए बिना ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनको ही अकेले टारगेट बनाए, वो सॉफ्ट टारगेट देख के वैसे गए। आपकी माता जी से जैसे कि सवाल पूछा गया कि क्या घर में कोई बीमार है, हो सकता है ये आपको जानते हो या इस बारे में जानकारी कहाँ से मिली? वो उन्होंने पहले से रेकी की होगी कि मेरी मम्मी अक्सर मार्केट वही रास्ते से आती जाती है, देखा होगा, बात की होगी, इसलिए वो डायरेक्ट पकड़ ये होगा।